माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज हम बात करेंगे साधना और उसके अनुभव के बारे में। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं मेरे जीवन की जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, ताकि आप समझें कि ये जो कलयुग है इसमें भी जब आप साधना करते हैं तो आपके साथ अनुभूतियाँ होती हैं, आपके साथ चीज़ें घटित होती हैं। कुछ बहुत मूल साधनाएँ होती हैं जिसमें जो घटना घटता है वो आपको बताना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन कुछ साधनाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें जो घटना घटी है वो लोगों को बताया जाता है, ताकि वो जब वो साधना करे तो वो उस चीज़ों को महसूस कर सके। बात बंगाल की है, कैरेक्टर्स पे हम नहीं जाएंगे कि किसने कौन सी साधना की, ठीक है। बंगाल में एक गुरु शिष्य अटखेलिया कर रहे थे। अघोर में जो गुरु और शिष्य होते हैं वो काफी मित्रवत होते हैं, ठीक है। तो कारण लेकर के दोनों अटखेलिया कर रहे थे, गुरु गाली दे रहा था, चेला उसका आनंद ले रहा था, और चेले ने बोला आज तक हमें आपने कुछ सिखाया नहीं। ऐसा ही होता है चेलों को हमेशा ऐसा लगता है कि गुरु ने कुछ सिखाया नहीं। तो गुरु ने बोला चलो आज तुम्हें कुछ प्रत्यक्ष में दिखाता हूं, और नदी के तीर पर उसको लेकर चले गए और एक लंगोट पहना के बैठा दिया दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, और एक घेरा बंधन कर दिया, उसके कान में मंत्र बोला। क्या मंत्र बोला? मंत्र बोला ओम हौंग नमः शिवाय। और उसके बाद खुद जो है चल के, नदी थोड़ी छिछली थी, नदी के दूसरे तरफ बैठ गया। अब जब ये शिष्य जाप करे इसको लगे कि कोई सांप आ गया है, कोई सांप आ गया, हालांकि सांप था नहीं, और सामने से गुरु देख करके मजे ले रहा था। इसको बोल के रखा था कि नजर जो है हमेशा आकाश की तरफ रखना, नीचे मत करना। और अचानक शिष्य ने देखा कि आकाश में एक पांच सर वाला सांप तैर रहा है। अब ये समझिए, ये रात्रि की बेला है, अंधेरा है माहौल, और आकाश में उड़ता हुआ एक सर्प दिखा। उसने तुरंत गुरु की तरफ देखा, जैसे ये दृश्य दिखा गुरु ने बोला रुक जाओ, और जब वो पार हो गया तो गुरु उठ करके आया, उसको थप्पड़ मारा, बोला देख लिया ना, अब चलो। ये साधना अगर आप नदी के तीर पे करते हैं तो ये एक रात्रि में हो सकती है, अगर आप घर पर करते हैं तो ये सात रात्रि में होती है। एक दूसरे साधक ने इसी साधना को घर पर किया, और जब ये मंत्र उसको मिला तो उसको लगा कि घर पे तो कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि फ्लैट जैसा घर था और दक्षिण की खिड़की से आकाश दिखता था, ठीक है। तो पहले दिन की साधना करी, दूसरे दिन की साधना करी, तीसरे दिन की साधना जब करी तो ये समझ में आया कि पीठ पर कुछ ठंडापन महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पीठ पर कुछ लोट रहा हो, ठीक है। तो थोड़ा डर लगा, उसको लगा कुछ कीड़ा मकड़ा होगा, हालांकि कुछ था नहीं। उसके बाद से हर रात्रि में उसको ऐसा लगे कि कोई सांप जो है, सांप क्या है कि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वो जब आपके स्किन को टच करता है तो आपको वो ठंडापन महसूस होता है। तो रात्रि में जब वो सोता था तो उसको ऐसा लगता था कि उसको कोई सांप उसके पैरों में लपेटा हुआ है,
वो उठ कर देखता था तो कोई सांप नहीं रहता था। कभी लगता था कि उस वो जो लेटा हुआ है उसके नीचे से कोई सांप जो है वो पार कर जा रहा है। ये सब एक ही मंत्र का कृपा था, ये सब हो रहा था। ठीक है, अंतोगत्वा जो साधना का अंतिम दिन था उसको पांच मुख का तो सर्प नहीं दिखा, परंतु उसको ऐसा लगा कि हवाई मार्ग में कुछ तैर रहा है। ठीक है, और वो सर्प जैसा ही था, वो सर्प ही था। फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये साधना फिर किसी साधक को दी गई और यहां पर भी गुरु शिष्य में विषय वही चल रहा था कि गुरुजी कुछ प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा, इतने दिन से जाप कर रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि जाओ ये वाला चैनल पर ये वीडियो है, इसको कर लो। और वो जो शिष्य था वो हंसने लगा क्योंकि गुरुजी ने बताया उसको कि भाई ऐसा है कि जब आप ये साधना करोगे तो आपको सर्व की अनुभूति होगी। गुरुजी ने पूछा लगता है विश्वास है तुम्हें? बोला नहीं गुरुदेव, आप पे पूरा विश्वास है लेकिन ये हो नहीं पाएगा। तो गुरुजी ने बोला ठीक है आप कर लो साधना। सातवें दिन जो शिष्य था उसका हाफते हुए फोन आता है कि गुरुदेव हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमारे 7 दिन का जो साधना है वो संपन्न हुआ और जो अनुभूति है वो हमें हो गई। हम तो श्योर थे कि हमें अनुभूति होनी नहीं है। तो गुरुजी ने पूछा भाई ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता था कि आपको अनुभूति नहीं होगी? तो उसने बताया कि वो किसी और गुरु के यहाँ एक ध्यान के साधना शिविर में गया हुआ है और ये एक बंद आश्रम है, 12वें या 13वें मंजिल पे इनको रहना था, ना कोई अंदर आता था ना कोई बाहर जाता था। ठीक है, लेकिन 7वें दिन इसके कमरे से सांप निकला उस आश्रम में। ठीक है, तो ये नतमस्तक हो गया कि हाँ मतलब अनुभूति हुई और महादेव है, उन्होंने अपने होने का जो एक प्रमाण है वो हमें दिया। ये साधना आप भी कर सकते हैं। अघोर तंत्र रहस्य का जो पहला वीडियो है ना, ओम नमः शिवाय है पूर्ण मंत्र, वो यही मंत्र है। इस मंत्र का विधान भी उसमें दिया हुआ है, आप सभी इसको करें, इसको देखें। अघोर एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसमें आप जब साधना करते हैं आपको बड़ा प्रत्यक्ष अनुभूति होता है। एक मजाक वाला विषय था कि 2-3 गुरुओं के साथ हम बैठे हुए थे और उन्होंने एक 4 शब्द का मंत्र बताया। ठीक है, और वो मंत्र प्रेत मंत्र था। आप अगर उस मंत्र को सुन लोगे तो आपको लगेगा कि अजनाथ जी मजाक के मूड में है, लेकिन वो मंत्र था 4 शब्दों का। तो एक बार किसी हमारे प्रिय ने हमको बोल दिया कि अनुभूति नहीं हो रही है, तो हमने उनको एक विधान बताया और बोला कि ये जो है 10 माला आप जाप कर लेना 4 शब्दों का। उन्होंने बोल दिया कि भाई आप मजाक कर रहे हैं आज हमसे। हमने बोला नहीं आप करके देखो। रात में करीब 2:30-3 बजे उनका फोन आया और उन्होंने बोला कि हमारे बिस्तर पर कोई बैठा हुआ है। हमने बोला आप यही तो अनुभूति चाहते थे कि अघोर में अनुभूति होती है कि नहीं होती है। तो उन्होंने बोला अब हमें आप माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम आइंदा अनुभूति के बारे में नहीं पूछेंगे। जितना देर में मैं बंधन करके उस चीज को हटाता तब तक उसने उनको खींच करके बिस्तर से पटक दिया। बंधन हो गया, जो चीज थी वो चली गई। सारी कथाओं का समावेश यह है, यह समारोप यह है कि अगर आप साधना को सही तरीके से सही गुरु के द्वारा, ठीक है, और पूरी निष्ठा के साथ करोगे तो आज के दिन में भी साधना 1 दिन में भी सिद्ध होती है, 7 दिन में भी सिद्ध होती है और देवी देवता 7 महीने में प्रत्यक्ष भी होते हैं। 4 से 7 साल अगर आप साधना करते रहते हैं तो आपको वाक सिद्धि भी मिलती है। आपसे त्रुटि कहाँ होती है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं,
आपको तुरंत से गुरु से भरोसा उठने लगता है, आपको विधान से भरोसा उठने लगता है, आपको जो आपके देवी देवता है उनसे भरोसा हटने लगता है। ये ना करें, साधना करें, और साधना करके जो भी लक्ष्य है उसकी प्राप्ति 100% होती है अगर आप अघोर मार्ग से साधना कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड साधना ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9431188585 पर। डायरेक्ट बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट देख सकते हैं उसी व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। भगवान आपको साधना में बहुत आगे बढ़ाए, ऐसी मेरी उससे प्रार्थना है। रांची वाले भैरव बाबा से प्रार्थना है कि आपको शक्ति दे। आप सभी को आदेश आदेश आदेश।